वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे हम भी अलहमद जी बिल्कुल ठीक ठाक और अब आज के ब्लॉग का आगाज़ जो है ना मैंने सुबह सुबह से शुरू कर दिया था कि मैंने सोचा कि आज सुबह की रूटीन जो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अच्छा आज सुबह सुबह पहले हमेशा जो है डेली ऐसा ही होता है कि मैं सुबह आठ बजे उठती हूँ और साथ में बच्चों को भी ना आठ बजे उठा देती हूँ हालांकि अभी शाल की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं लेकिन फिर भी ना मैं जो रूटीन की स्कूल की बनी हुई थी ना तो उससे मैं तकरीबन एक घंटा इनको ज़्यादा सोने दे देती हूँ क्योंकि अभी छुट्टियों के बाद जो है छुट्टियों को अब एक महीना ही रह गया तकरीबन और उसके बाद जो हाशिर ने भी स्कूल जाना है तो फिर इसके लिए मुझे इनकी रूटीन जो है ना अभी से मैंने इनकी बनाना शुरू कर दी है ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी रूटीन भी रूटीन से हटें नहीं क्योंकि कुछ मैंने देखा है लोग जो होते हैं जो कि छुट्टियाँ जब होती हैं ना तो बच्चों को खुला सोने देते हैं सुबह आराम से उठें दस बजे उठें ग्यारह बजे उठें बारह बजे कोई उठ रहा है तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करती मैं इनको टाइम टू टाइम जो है ना हर चीज़ का मैंने एक शेड्यूल बना के रखा होता है और इसी तरह जो है ना मैं हर चीज़ को लेके चल रही होती हूँ और इसके बाद जो हस्बैंड मेरी ऑफिस जाना होता है तो फिर उसकी वजह उनकी वजह से ना फिर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब जो है ना साथ मिलके इकट्ठे जो है नाश्ता कर लें और बस फिर इसके बाद जो है मैं अभी नाश्ते की तरफ आ गई थी किचन में क्योंकि बच्चों को मैंने उधर से फ्री करवा लिया था वाशरूम से उसके बाद मैंने बच्चों को टी वी लगा के बाई टी वी लॉन्च में बिठा दिया था ताकि मुझे ना आराम से नाश्ता बनाने दे दें अच्छा जी आजकल तो गोश्त खा खा के ना दिल तंग पड़ चुका था तो रात को ना मेरे घर में सालन जो था गोश्त खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि नहीं अब गोश्त नहीं बनाती अब जो है ना सुबह नाश्ते में कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँगी जो कि खाने को दिल भी चाहिए तो फिर सुबह सुबह उठ के ना मैंने आलू बनाए थे दो शोरबे वाले आलू बनाए थे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये आ, ये सालन जो है बना था और साथ में मैंने चाय वाला पानी भी रख दिया था होने के लिए और बस दो रोटियां जो है वो मैंने डाल ली थी आपको पता है कि हम जो है गर्मियों में पराठा वगैरह नहीं बनाते बस सिंपल सी रोटियां बनाती हूँ उनको ऑयल के साथ जो है वो सेंक लेती हूँ रोटियां बनाने के बाद यहाँ पे मैंने दो चपली कबाब साथ में बना लिए थे क्योंकि आलू का सालन था तो चपली कबाब जो है ना मज़ा करने थे और चपली कबाब जो है ना अम्मी के घर जाने से पहले जो है ना मैं बना के फ्रीज़ कर गई थी और रात कोई इन्होंने रात को इन्हें मैंने फ्रीज़र से निकाल के तो उन्हें मैंने सारा को खेड़ को तो मैंने शॉपर में निकाल लिए थे और सुबह जो है ना मैंने ये दो फ्राई साथ कर लिए और साथ में चाय चाय जो थी वो भी रेडी हो चुकी थी बस इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया था अच्छा ये जो क्लिप है ना ये कल का क्लिप है क्योंकि कल जो है कल का व्लॉग जो है ना कल के व्लॉग में ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी काम कर कर के तो बस उसमें ये क्लिप ऐड करना जो है ना रह गया था क्योंकि उसके उस इससे पहले क्लिप बनाने से पहले ना मैंने व्लॉग जो है अपलोड कर दिया था आप लोगों के साथ तो फिर बस मैं कपड़े धो कल मैंने जो कपड़े धोए थे ना वो सारा मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि मैं जो है आज कपड़े वॉश कर रही थी तो बहुत ज़्यादा बिजी थी और बस क्योंकि ईद के बाद आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और मेरे हाल में सभी घरों में ना ईद के दूसरे तीसरे दिन कपड़े जितने मर्जी हम लोग कह रहे हैं ना कि ईद से पहले जो है ना वॉशिंग मशीन लगा के सारे कपड़े सारी चादरें सब कुछ कवर्स वगैरह सारे जो है वॉश कर लेंगे लेकिन फिर भी ना ईद के ईद गुजरने के बाद जो कपड़े इकट्ठे होते हैं ना उनकी तो इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी हद नहीं की जा सकती और आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा सनी डे भी था और यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्लाग जो है शूट कर रही थी बाहर का मौसम जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो है दिखा दूँ अभी शाम के बज रहे थे ये शाम के चार बज रहे थे और यहाँ पर अच्छी खास सी जो है ना धूप पड़ रही थी और कपड़े जो है मैंने स्पिन करके डाले थे क्योंकि मुझे पता था कि ये ना रात को बारिश हो जाए तो उससे पहले पहले मैं कपड़े जो है मेरे स्पिन हुए पड़े होंगे तो जल्दी जो है ड्राई हो जाएंगे और फिर मैं उतार लूँगी इनको ताकि कपड़े जो अच्छी तरह ड्राई हो जाएँ और यहाँ पे हवा भी साथ में चल रही थी आज और अच्छा ये भी शाम को बच्चे जो है उठ गए थे सो के तो जब बच्चे सोए थे तो उस टाइम मैंने कपड़े जो है वॉश किए थे क्योंकि कल जुम्मा था आपको पता है जुम्मे वाले दिन जुम्मे के टाइम पर तो मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाती मैंने जुम्मे के बाद जो है ना जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद उसके बाद जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो साथ में बच्चों को भी सुला दिया था ताकि मैं ईज़ी हो के ना कपड़े आराम से धो सकूँ तो बस अभी शाम में बच्चे भी उठ गए थे थे इनको मैंने यहाँ पर बिठाया था स्टडी करने के लिए इनके लिए एक्टिविटी के तौर पर ना मैं ये कलरिंग बुक लेकर आई हूँ क्योंकि अभी ये छोटे हैं इनको कुछ ज़्यादा एक्टिविटी में नहीं करवा सकती थी तो ये बहुत ज़्यादा शौक से ना लगे रहते हैं और हाशिर को भी अब कोशिश करती हूँ कि वो भी जो है ना ऐसे कामों में लगे बिजी हो ताकि उसको भी ना अब आहिस्ता आिस्ता पड़े और वो माशाल्लाह बड़े शौक के साथ अपनी बहन के साथ बैठ के ना कलरिंग करता है अच्छा जी फिर मैंने रात को जो है कपड़े सारे उतार के बेड पे रख दिए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको रात को फोल्ड कर सकूँ तो फिर सुबह ना नाश्ते वगैरह करने के बाद फ्री हो गए थे हम लोग तो उसके बाद मैं काम करने से पहले ना मैंने सारे कपड़े मैंने पहले फ़ोल्ड कर लिए क्योंकि उसके बाद जो है मैंने काम स्टार्ट करना था और आजकल जो है सबके घरों में ना गोश्त वगैरह तो सबके घर में हो गई ईद के बाद और किसी का दिल जो है भर चुका होगा और कोई अभी तक जो है गोश्त ही खाने में लगा हुआ होगा हर किसी के घर में आजकल जो है गोश्त के सीन जो है वो चल रहे हैं और आप लोग मेरे साथ जो है ना ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के आप लोगों ने अभी तक बारबी किया या नहीं मैंने तो ये इस दफ़ा बारबी जो है बिल्कुल जो है हटवा दिया है लिस्ट में से क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा शिद्द की पड़ी जिसकी हद नहीं है और गर्मी में जो है ना बिल्कुल भी बारबेक्यू ना खाने को दिल चाह रहा है और ना ही बारबेक्यू पार्टी जो है ना वो करने को दिल चाह रहा है तो फिर ऐसा वैसा, वैसा कोई सीन नहीं है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन जो है बारबेक्यू पार्टी कर चुका है या करने वाला है और किसका जो है इरादा है बारबेक्यू पार्टी का हो जाए पार्टी तो मज़ा तो बहुत आता है बारबेक्यू का लेकिन इस दफ़ा जो है ना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है तो इस वजह से मैं जर्नी कर रही अच्छा गोश्त के साथ जो है ना कोल्ड ड्रिंक ज़रूर जो है हम लोग तो ज़रूर पीते हैं क्योंकि गोश्त जो है ना कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो बिल्कुल भी हज़म किया ही नहीं जा सकता और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि गोश्त और चावल जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिनको कोल्ड ड्रिंक के बगैर जो ना हज़म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वैसे सर्दी होना तो सर्दी में तो फिर ग्रीन टी वग़ैरह और कहवा वगैरह इस तरह की चीज़ जो है वो पी के बंदा जो है वो भी हज़म कर सकता है लेकिन गर्मी है गर्मी में तो कहवा भी नहीं पिया जाता तो बस फिर कोल्ड ड्रिंक ही एक ऑप्शन बचता है कोल्ड ड्रिंक के बग़ैर जो है ना गोश्त को हज़म करना थोड़ा मुश्किल है अच्छा जी यहाँ पे कपड़े जो है माशाल्लाह में जो मेरे सारे फोल्ड हो चुके हैं कपड़स में अपनी अपनी जगह पे जो है जा चुके हैं जो इस्ती वाले कपड़े थे वो सारे मैंने अलग कर लिए थे और बाई टेबल पे मैंने रख दिए थे ताकि जो है ना दिन में जब जब मुझे जू न्यू टाइम मिलता जाएगा साथ साथ जो है वो सारे प्रेस भी करती रहूँगी और यहाँ पर रूम जो है वो भी मैंने क्लीन कर लिया था बस अब झाड़ू लगाना रह गया था और मॉपिंग करना रह गया था क्योंकि कल जो है ना मुझे मॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला था और अभी जब मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और बस मॉप जो है वो कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर एक दिन ना मोफ ना करें और इतनी ज्यादा मिट्टी और डस्ट इकट्ठी हो जाती है ना मोफ़ ना करने की वजह से वो हालांकि नज़र नहीं आती लेकिन फिर भी ना जब बच्चे बच्चों वाला घर किसी टाइम बच्चे जो है जूते उतार के फिरना शुरू हो जाते हैं और वही जूते वो गंदे फिर पाँव जो है ना बिस्तरे पर लगते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता तो इसलिए डेली जो मॉप होती है ना डेली बेस पर मैं मॉप जो है वो लाजमी करती हूँ क्योंकि मॉप के बगैर जो है ना मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है बच्चों वाला घर है स्पेशली और यहाँ पर अलमदिल्ला जी मेरी सफ़ाई जो है वो कम्प्लीट हो चुकी थी डन हो चुकी थी और यहाँ पर सिर्फ जो है डस्टिंग रह गई थी डस्टिंग जो है मैंने अभी दोपहर में जो है वो कर लिया है और क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी और यहाँ पर स्त्री वाले कपड़े जो थे वो सारे मैंने आपको बताया मैंने साइड पर कर करके रख लिए थे यहाँ पर रखे हुए थे और बस अभी जो है व्लॉग अपलोड करने के बाद इन वो भी सारे कपड़े भी जो है आयरन कर दूंगी मैं और यहाँ पर ये यह रूम जो है ये भी मेरा क्लीन हो चुका था सारा माशाला साफ सुथरा हो गया था घर और बच्चे जो है बाहर टेरेस पे खेल रहे थे अभी हवा चल रही थी तो मैंने उन्हें मना नहीं किया कि बेटा आप लोग इस टाइम गर्मी है तो मत बाहर जाओ तो साथ में हवा चल रही थी तो इसी वजह से मैंने उन्हें सोचा कि चले मैं जितनी में अंदर की सफाई कर रही की वरना वो अंदर आगे पीछे जो ना पाऊँ मारते हैं तो फिर सफाई भी करने का जो है कोई फायदा नहीं रहता और ये जी मेरा पर ट्राईपोर्ट जो पूरे घर में जो है घूमता रहता है इसकी अपनी मोजें लगी होती हैं यहाँ पर और ये जो लोग व्लॉगिंग करते हैं वो उन लोगों लो सब को सबको पता है कि जिस जिस घर घर में व्लॉगिंग होती है तो वो जो है ना ट्राईपोर्ट उनके घर में जो है ना हर जगह पे घूम रहा होता है आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी इसी तरह की क्लीनिंग और हर हर तरह की मोटिवेशनल जो है व्लॉग्स मिलते रहें टाइम टू टाइम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज़